नीतिवचन बाइबल अध्ययन हिंदी व्याख्या के साथ। नीतिवचन की किताब हमारे जीवन के लिए व्यवहारिक सलाह और दिशा निर्देशों का एक संग्रह है। इसका उद्देश्य हमें सिखाना है कि ज्ञान कैसे प्राप्त करें, अनुशासित रहें और जीवन में ईश्वर का सम्मान कैसे करें। नीतिवचन अध्याय 1 से 31 तक की पूरी श्रृंखला हिंदी विवरण के साथ जरूर देखें। नीतिवचन 3 व्याख्या। नीतिवचन अध्याय 3 का 1 से लेकर 2 तक। 1. हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा मत भूल, बल्कि तू मेरे आदेश अपने हृदय में बसा ले। 2. क्योंकि इनसे तेरी आयु वर्षों वर्ष बढ़ेगी और ये तुझको संपन्न कर देंगे। व्याख्या। अध्याय 3 में राजा सुलेमान हमको उत्तम जीवन से संपन्नता के लिए बोल रहे हैं। अध्याय 3 की बस 1। अध्याय 3 सुलेमान के बेटे के लिए सलाह के साथ शुरू होता है। सुलेमान अपने बेटे को उसकी आज्ञाओं को याद करने के लिए प्रोत्साहित करता है। बेटे को शब्दों को याद रखना चाहिए, लेकिन उसे एक गहन अनुभव के लिए भी लक्ष्य बनाना चाहिए। बुद्धि उसके हृदय में प्रवेश करे, बुद्धि को अपने विचारों का मार्गदर्शन करना चाहिए, बुद्धि को अपनी भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। अध्याय 3 की बस 2। पुत्र को इन ज्ञान की शिक्षा से लाभ होगा। सुलेमान ने स्वास्थ्य और धन का उल्लेख किया है। बुद्धि स्वास्थ्य लाती है, क्योंकि ज्ञान सुरक्षित क्रियाएं सिखाता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अच्छा खाना खाता है और अपने शरीर की देखभाल करता है। बुद्धि धन लाती है, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति सावधान होता है। बुद्धिमान व्यक्ति कड़ी मेहनत करता है और वह पैसा बर्बाद नहीं करता है। ऐसा मत सोचो कि अच्छे स्वस्थ और अधिक धन होना ज्ञानी होने की पहचान है। चोर धनवान बन सकता है, क्योंकि वह चोरी करता है। एक दुष्ट व्यक्ति दूसरे लोगों से पैसे ले सकता है। कभी कभी परमेश्वर किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य और धन देते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। परमेश्वर को याद करो, वह आपको धन प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। व्यवस्था विवरण अध्याय 8 का 18। सच्चा स्वास्थ्य केवल शरीर का स्वास्थ्य नहीं है, परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता भी स्वस्थ होना चाहिए। वास्तव में परमेश्वर के साथ आपका संबंध आपके शरीर से अधिक महत्वपूर्ण है। मत्ती अध्याय 5 का 29 से लेकर 30 तक में देखिए। सुलेमान बहुत धनी था, लेकिन वह जानता था कि सच्चा धन धन नहीं है। नीतिवचन अध्याय 3 का 14 से लेकर 15 तक में देखें। बुद्धि चांदी या सोने से अधिक मूल्य की है। बुद्धि हमारे सभी पैसे से अधिक मूल्य की है। नीतिवचन अध्याय 3 का 3 से लेकर 4 तक। 3. प्रेम विश्वसनीयता कभी तुझको छोड़ न जाए। तू इनका हार अपने गले में डाल, इन्हें अपने मन के पटल पर लिख ले। 4. फिर तू परमेश्वर और मनुष्य की दृष्टि में उनकी कृपा और यश पाएगा। व्याख्या अध्याय 3 की बस 3 और 4। प्यार और विश्वास हमेशा हमारे साथ होना चाहिए। जैसा कि सुलेमान यह लिखता है, अपने बच्चों को परमेश्वर के नियम सिखाएं। घर पर परमेश्वर के कानून के बारे में बात करो। जब आप यात्रा करते हैं तो इसके बारे में बात करें। इसके बारे में बात करो जब तुम लेट जाओ। इसके बारे में बात करो जब तुम जागते हो। अपने हाथों पर परमेश्वर के नियम के शब्दों को बांध। अपने सिर के बारे में शब्दों को बांध। अपने दरवाजों और दरवाजों के किनारे परमेश्वर का नियम लिखें। उन्हें अपनी गर्दन पर पहनिए। आप वास्तव में प्यार और विश्वास नहीं पहन सकते, लेकिन आप अपना प्यार और भरोसा दूसरे लोगों को दिखा सकते हैं। आपके व्यवहार को देखने पर हर कोई आपके दृष्टिकोण को जान जाएगा। उन्हें अपने दिल पर लिखें। आपके पूरे जीवन को निजी तौर पर भी निर्देशित करना चाहिए। आप वास्तव में अपने दिल पर प्यार और विश्वास नहीं लिख सकते, लेकिन प्यार और विश्वास को आपके पूरे जीवन को निजी तौर पर भी निर्देशित करना चाहिए। प्यार और विश्वास आपके विचारों, योजनाओं और दृष्टिकोणों को निर्देशित करना चाहिए। प्यार और विश्वास हमेशा आपके दिल और दिमाग में होना चाहिए। प्रेम और विश्वास केवल विचार नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो वचन आज हमको याद है और कल उन्हें भूल जाए। उन वचनों को हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए। हमारे हर फैसले का मार्गदर्शन इस शिक्षा के वचनों के अनुसार होना चाहिए। नीतिवचन अध्याय 3 का 5 से लेकर 6 तक। 5. अपने पूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख, तू अपनी समझ पर भरोसा मत रख। 6. उसको तू अपने सब कामों में याद रख, वही तेरी सब राहों को सीधी करेगा। व्याख्या अध्याय 3 की बस 5 और 6। बस 5 और 6 बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हें सीखना एक अच्छा विचार है। अगर हम भविष्य की चिंता करेंगे तो वे हमारी मदद करेंगे। परमेश्वर पर भरोसा रखें। लोग कई चीजों पर भरोसा करते हैं। कुछ ट्रस्ट मनी, कुछ ट्रस्ट सरकारें, अन्य लोग भाग्य पर भरोसा करते हैं। आप अपने परिवार या अपने चर्च पर भरोसा कर सकते हैं। कभी कभी ये सभी चीजें विफल हो जाएंगी, लेकिन परमेश्वर कभी असफल नहीं होते। परमेश्वर एक महल की तरह है। हम उसके साथ सुरक्षित हैं,
क्योंकि वह मजबूत है, वह हमेशा हमारे साथ है। जब भी मुसीबतें आती हैं तो वह हमारी रक्षा करते हैं। बहुत से लोग कभी कभी परमेश्वर पर भरोसा करते हैं लेकिन अन्य समय में नहीं। कुछ लोग ईसाई बन जाते हैं लेकिन अपने पूरे दिल से परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन का हिस्सा है, लेकिन केवल एक छोटा सा हिस्सा है। शायद वे घर पर परमेश्वर चाहते हैं लेकिन काम पर नहीं। परमेश्वर हमारे पूरे दिल को चाहते हैं। हमें हमेशा उनसे बुद्धिमत्ता की कामना करनी चाहिए। वह चाहते हैं कि हम काम और घर पर अच्छे मसीहियों की तरह रहें। हमें परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए तब भी जब हमारा जीवन कठिन हो। परमेश्वर हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम उनकी हर बात पर भरोसा करें, अपनी बुद्धिमत्ता पर निर्भर न रहें। परमेश्वर हमसे कहीं ज्यादा समझदार हैं। हम बहुत सी बातें जानते हैं लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानता है। हमें गर्व नहीं करना चाहिए। हमें कल्पना नहीं करनी चाहिए कि हम परमेश्वर से ज्यादा समझदार हैं। भविष्य हमारे लिए अज्ञात है लेकिन परमेश्वर भविष्य जानते हैं। वह हमारा नेतृत्व करने में सक्षम है। वह हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। हमें उस पर भरोसा करना चाहिए न कि अपने विचारों पर। इसलिए हमें अपने जीवन के बारे में परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। हमारी मदद करने और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए परमेश्वर को कहना चाहिए। आप जहां भी जाते हैं परमेश्वर के बारे में सोचें। ये शब्द हमें याद दिलाते हैं कि जीवन एक यात्रा की तरह है। हमारे पास कई अनुभव होंगे। कुछ अनुभव अच्छे होंगे, अन्य अनुभव बुरे होंगे। हम जहां भी हैं हमें परमेश्वर के बारे में सोचना चाहिए। हमें अपने जीवन में परमेश्वर को पहले स्थान पर याद रखना चाहिए। यदि जीवन एक यात्रा की तरह है तो हमें परमेश्वर का अनुसरण यात्रा करनी चाहिए। सिर्फ उनको ही सही रास्ता पता है। उनका रास्ता सही रास्ता है। वह आपके अनुसरण के लिए रास्ता साफ कर देंगे। हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हम परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं। नीति वचन अध्याय 3 का 7 से लेकर 8 तक। 7 अपनी ही आंखों में तू बुद्धिमान मत बन, यहोवा से डरता रहना और पाप से दूर रहना। 8 कारण तेरा शरीर पूर्ण स्वस्थ रहेगा और तेरी अस्थियां पुष्ट हो जाएगी। व्याख्या अध्याय 3 की वर्स 7 और 8। विवेक और बुद्धि के गलत प्रकार। एक गलत प्रकार का ज्ञान है। वर्स 7 में आपकी अपनी बुद्धि का उल्लेख है। एक गलत प्रकार की बुद्धि भी है। वर्स 5 में आपकी अपनी बुद्धिमत्ता का उल्लेख है। हमारी अपनी बुद्धि और परमेश्वर की बुद्धि में अंतर है। परमेश्वर हमसे ज्यादा समझदार है। परमेश्वर किसी भी व्यक्ति की तुलना में अधिक बुद्धिमान है। यशाया अध्याय 55 का 8 से लेकर 9 तक देखिए। हमें गर्व नहीं करना चाहिए। सच्चा ज्ञान परमेश्वर से मिलता है। हमारे अपने विचार अच्छे हो सकते हैं लेकिन वे कभी भी परमेश्वर की बुद्धि से बेहतर नहीं होते हैं। परमेश्वर हमें अपना ज्ञान सिखाते हैं। यह हमारे लिए परमेश्वर का उपहार है। परमेश्वर के ज्ञान के साथ अपने खुद के विचारों को भ्रमित न होना। कभी कभी हमारे गलत विचार बीमारियों का कारण बनते हैं। उदाहरण के लिए अधिक शराब हमें बीमार कर देगी लेकिन परमेश्वर की बुद्धि हमें चोट नहीं पहुंचाती है। परमेश्वर हमारे लिए दयालु है और वह हमारी मदद करते हैं। वह हमारे शरीर की परवाह करते हैं। वह हमारी आत्माओं की भी परवाह करते हैं। कोई भी स्वर्ग में बीमार नहीं होगा। हमें जिस ज्ञान की आवश्यकता है वह परमेश्वर की बुद्धि है। नीति वचन अध्याय 3 का 9 से लेकर 10 तक। 9 अपनी संपत्ति से और अपनी उपज के पहले फलों से यहोवा का मान कर। 10 तेरे भंडार ऊपर तक भर जाएंगे और तेरे मधुपात्र नए दाक मधु से उफनते रहेंगे। व्याख्या मलाकी अध्याय 3 का 6 से लेकर 12 तक में लोगों पर आरोप लगता है। वह कहता है कि उन्होंने परमेश्वर से चोरी की है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के काम के लिए अपना उपहार नहीं दिया है। सच तो यह है कि हमारी सारी संपत्ति परमेश्वर की है। परमेश्वर ने दुनिया बनाई। हमारा अपना जीवन परमेश्वर का वरदान है। ईसाई होने के नाते हमें उदार होना चाहिए। हमें परमेश्वर के काम के लिए 10वां हिस्सा परमेश्वर को देना चाहिए। हमें गरीब लोगों की मदद करने के लिए भी देना चाहिए। लोग कह सकते हैं अगर मैं देता हूँ तो मेरे पास अपने लिए पर्याप्त नहीं होगा। हमें समझदार होना चाहिए। हमें परमेश्वर पर भी भरोसा करना चाहिए। परमेश्वर कहते हैं मुझे आपके जानवरों की जरूरत नहीं है। जंगल का हर जानवर मेरा है। यदि हम परमेश्वर के काम के लिए अपना पैसा देते हैं तो परमेश्वर हमारे कामों पर अपनी आशीष प्रदान करेंगे। यीशु ने कहा अगर तुम परमेश्वर को दोगे तो वह तुम्हें बहुतायत में देगा। वह आपके लिए भरपूर भोजन उपलब्ध कराएगा। यदि आप उदार हैं तो परमेश्वर आपके साथ उदार रहेंगे। परमेश्वर को हमारे धन की आवश्यकता नहीं है। वह हमारे साथ काम करना चाहते हैं। हमें परमेश्वर को देने के लिए खुश होना चाहिए। परमेश्वर आनंद से देने वाले को प्यार करता है।
जैसा कि हम अन्य लोगों को देते हैं, परमेश्वर हमें अच्छी चीजें देते हैं। मैं स्वर्ग खोलूंगा, मैं तुम्हें अच्छी चीजें दूंगा। आपको इतनी अच्छी चीजें मिलेंगी कि आपके पास उन चीजों को रखने की जगह भी नहीं होगी। नीति वचन अध्याय 3 का 11 से लेकर 12 तक। 11, हे मेरे पुत्र, यहोवा के अनुशासन का तिरस्कार मत कर, उसकी फटकार का बुरा कभी मत मान। 12, क्योंकि यहोवा केवल उन्हीं को डांटता है जिनसे वह प्यार करता है, वैसे ही जैसे पिता उस पुत्र को डांटे जो उसको अति प्रिय है। व्याख्या, बहुत से लोग यह नहीं सीखना चाहते कि अच्छा व्यवहार कैसे करें, वे यह चुनना चाहते हैं कि वे कैसे अपना जीवन व्यतीत करेंगे। परमेश्वर हमारे पिता हैं। एक पिता अपने बेटे को पढ़ाता है। कभी कभी अच्छे पिता की तरह परमेश्वर अपने बेटे को सही या दंडित भी करते हैं। उसी तरह परमेश्वर हमें शुद्ध करते हैं। परमेश्वर हमें इसलिए सही नहीं करते क्योंकि वह गुस्से में होते हैं। परमेश्वर हमें सही करते हैं क्योंकि वह हमसे प्यार करते हैं। एक मानव पिता को अपने बच्चे को सजा इसलिए नहीं देनी चाहिए क्योंकि पिता नाराज है। पिता बच्चे को सही करना चाहते हैं क्योंकि पिता अपने बच्चे से प्यार करता है। यदि परमेश्वर हमें ठीक करते हैं तो हमें प्रसन्न होना चाहिए। उनका संशोधन हमें सही चीजें करना सिखाता है। उसका सुधार हमें मुसीबतों से बचाता है। यूहन्ना अध्याय 15 का 1 से लेकर 8 तक में यीशु ने इस बारे में बात की थी। वह परमेश्वर की तुलना एक माली से करता है। हम एक बेल के पेड़ की तरह हैं। यदि किसी शाखा में कोई फल नहीं है तो परमेश्वर उसे छोटा कर देता है। वह ऐसा इसलिए करता है ताकि शाखा में अधिक फल हो। परमेश्वर हमको कभी नहीं भूलते। वह हम पैर हमेशा नजर रखते हैं। वह हमारी त्रुटियों को देखते हैं। हमसे प्यार की वजह से वह हमें सही करते हैं। वह हमें किसी ऐसे शब्द से सही कर सकते हैं जिसे हम बाइबल में पढ़ते हैं। वह अन्य लोगों की सलाह का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक मंत्री या मित्र। वह किसी ऐसे व्यक्ति का उपयोग भी कर सकते हैं जो ईसाई नहीं है। यदि आज आप परमेश्वर की आवाज सुनते हैं तो उसे मना मत करो। इब्रानियों 12 का 6 यह कहता है, प्रभु उनको डांटता है जिनसे वह प्रेम करता है, वैसे ही जैसे पिता उस पुत्र को दंड देता जो उसको अति प्रिय है। परमेश्वर हमें सही करते हैं क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। अगर उन्होंने हमें ठीक नहीं किया तो हमें उसके बच्चे नहीं होंगे। हम अपने प्राकृतिक पिता का सम्मान करते हैं जो हमें सही करते हैं। उसी तरह हमें परमेश्वर का सम्मान करना चाहिए। कभी कभी सुधार में सजा भी शामिल होती है। सजा उस समय सुखद नहीं लगती, सजा दर्दनाक लगती है, पर बाद में यह कुछ अच्छा और हमारी भलाई उत्पादन करती है। हम शांति में रहना सीखते हैं और हम सही कार्य करना सीखते हैं। नीति वचन अध्याय 3 का 13 से लेकर 18 तक। 13, धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाता है, वह मनुष्य धन्य है जो समझ प्राप्त करें। 14, बुद्धि मूल्यवान चांदी से अधिक लाभदायक है और वह सोने से उत्तम प्रतिदान देती है। 15, बुद्धि मणि माणिक से अधिक मूल्यवान है। उसकी तुलना कभी किसी उस वस्तु से नहीं हो सकती है जिसे तू चाह सके। 16, बुद्धि के दाहिने हाथ में सुदीर्घ जीवन है, उसके बाएं हाथ में संपत्ति और सम्मान है। 17, उसके मार्ग मनोहर हैं और उसके सभी पथ शांति के रहते हैं। 18, बुद्धि उनके लिए जीवन वृक्ष है, जो इसे अपनाते हैं वे सदा धन्य रहेंगे जो दृढ़ता से बुद्धि को थामे रहते हैं। व्याख्या, अध्याय 3 की बस 13 और 18। नीति वचन 1 का 20 से लेकर 33 तक में सुलेमान ज्ञान का वर्णन एक स्त्री के रूप में करता है। यह नीति वचन 3 का 13 से लेकर 18 तक में फिर से होता है। इसमें अंतर है। नीति वचन 1 में बुद्धि दुष्ट लोगों से क्रोधित होती है, उन्होंने उसकी सलाह को मान लिया है। नीति वचन 3 में हम उन लोगों के बारे में पढ़ते हैं जो बुद्धि से प्यार करते हैं। बुद्धि उनके लिए अच्छी चीजें लाती है, जैसे लंबा जीवन, धन और सम्मान। जब हम बुद्धि के साथ चलते हैं तो हमारा जीवन सुखद और सुंदर होता है। वस 14 और 15, ये वस बुद्धि की तुलना मूल्यवान वस्तुओं से करते हैं। वह कीमती पत्थरों से अधिक मूल्य का है, उसका मूल्य चांदी या सोने से अधिक है। आप अपने पैसा को बैंक में निवेश कर सकते हैं, बैंक आपके मुनाफे का भुगतान करेगा। हालांकि बैंक बुद्धि की तुलना में अच्छा निवेश नहीं है। यदि आप अपना जीवन बुद्धि को देते हैं तो इसमें किसी भी बैंक से आपका अधिक मुनाफा होगा। कोई भी बैंक आपके जीवन को लंबा नहीं बना सकता है, लेकिन बुद्धि आपको लंबी उम्र दे सकती है। कोई भी बैंक आपको स्वर्ग में जगह देने का वादा नहीं कर सकता, लेकिन ज्ञान यह वादा कर सकता है। कोई भी बैंक आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं बना सकता है, बुद्धि ऐसा कर सकती है। खुशी जो ज्ञान लाती है वह सिर्फ एक भावना नहीं है, यह वही खुशी है जो यीशु ने मत्ती अध्याय 5 का 3 से लेकर 12 तक में वर्णित की है। जब परमेश्वर हमारे बुरे कार्यों को क्षमा कर देते हैं तो हम उनकी आत्मा में आनंद प्राप्त करते हैं। जीवन में कभी हमारा जीवन कठिन होगा
कभी हम बहुत दुखी होंगे, परमेश्वर हमेशा हमें सुकून देंगे, वह हमारी देखभाल करेंगे। जब भी हम दुखी होंगे, परमेश्वर का आनंद हमारे दिलों में हमेशा रहेगा। हमारा अच्छा जीवन फिर से शुरू होगा क्योंकि परमेश्वर हमारी मदद करेंगे। भजन संहिता 23:4, मैं मृत्यु की अंधेरी घाटी से गुजरते भी नहीं डरूंगा क्योंकि यहोवा तू मेरे साथ है, तेरी छड़ी तेरा दंड मुझको सुख देते हैं। जब वह खतरे में था तो डेविड खुश नहीं था, लेकिन वह जानता था कि परमेश्वर का आनंद उसकी आत्मा में है, इसलिए वह उन खतरों से नहीं डरता था जो उसे घेरे हुए थे। नीति वचन अध्याय 3:19-20 तक। 19, यहोवा ने धरती की नींव बुद्धि से धरी, उसने समझ से आकाश को स्थिर किया। 20, उसके ही ज्ञान से गहरे सोते फूट पड़े और बादल ओसकण बरसाते हैं। व्याख्या अध्याय 3:19-20, हम सभी को ज्ञान की आवश्यकता है, यहाँ तक कि परमेश्वर ने दुनिया बनाने के लिए अपने ज्ञान का इस्तेमाल किया। यह अनुच्छेद यूहन्ना अध्याय 1:1-3 तक के समान है। आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था, शब्द ही परमेश्वर था, यह शब्द ही आदि में परमेश्वर के साथ था। दुनिया की हर वस्तु उसी से उपजी, उसके बिना किसी की भी रचना नहीं हुई। वह शुरुआत में परमेश्वर के साथ थे, परमेश्वर ने अपने वचन से सब कुछ बनाया, उन्होंने बिना शब्द के कुछ नहीं किया। यूहन्ना बताते हैं कि शब्द का अर्थ यीशु है, यीशु हमेशा परमेश्वर के साथ थे क्योंकि यीशु परमेश्वर हैं। नीति वचन अध्याय 3:21-26 तक। 21, हे मेरे पुत्र, तू अपनी दृष्टि से भले बुरे का भेद और बुद्धि के विवेक को ओझल मत होने दे। 22, वे तो तेरे लिए जीवन बन जाएंगे और तेरे कंठ को सजाने का एक आभूषण। 23, तब तू सुरक्षित बना निज मार्ग विचरेगा और तेरा पैर कभी ठोकर नहीं खाएगा। 24, तुझको सोने पर कभी भय नहीं व्यापेगा और सो जाने पर तेरी नींद मधुर होगी। 25, आकस्मिक नाश से तू कभी मत डर या उस विनाश से जो दृष्टों पर आ पड़ता है। 26, क्योंकि तेरा विश्वास यहोवा बन जाएगा और वही तेरे पैर को फंदे में फंसने से बचाएगा। व्याख्या अध्याय 3:21-26, 22 हमें बताता है कि अपनी गर्दन से प्यार करो। कई देशों में महिलाएं अपनी खूबसूरत वस्तुओं को प्रदर्शित करती हैं। वे अपनी गर्दन पर सोने की जंजीर, चांदी और कीमती पत्थर पहनती हैं। 22 हमें प्रोत्साहित करता है, हमारे लिए बहुत खूबसूरत चीजें हैं। सही निर्णय, प्यार और ज्ञान सभी सुंदर चीजें हैं, वे किसी भी कीमती पत्थर से बेहतर हैं। सोना और चांदी सुंदर हो सकता है, बुद्धि किसी भी मूल्यवान वस्तुओं की तुलना में अधिक सुंदर है। 23-26 तक, यह एक और मार्ग है जो एक यात्रा के साथ जीवन की तुलना करता है। यह मार्ग हमें सिखाता है कि परमेश्वर हमारी रक्षा करेंगे, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। कई भजन ऐसे ही सबक सिखाते हैं। भजन संहिता 121, भजन संहिता 46:1 और भजन संहिता 62:2 देखें। 24 हमें विशेष सुकून देता है। हम रात में अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते, अंधेरे में कई खतरे हैं। बहुत से लोग सोने के लिए संघर्ष करते हैं। हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, वह हमें सुरक्षित और रक्षा कर सकते हैं। नीति वचन अध्याय 3:27-30 तक। 27, जब तक ऐसा करना तेरी शक्ति में हो, अच्छे को उनसे बचाकर मत रख जो जन अच्छा फल पाने योग्य है। 28, जब अपने पड़ोसी को देने तेरे पास रखा हो तो उससे ऐसा मत कह कि बाद में आना, कल तुझे दूंगा। 29, तेरा पड़ोसी विश्वास से तेरे पास रहता हो तो उसके विरुद्ध उसको हानि पहुंचाने के लिए कोई षड्यंत्र मत रच। 30, बिना किसी कारण के किसी को मत कोस, जबकि उस जन ने तुझे क्षति नहीं पहुंचाई है। व्याख्या अध्याय 3:27-30, यीशु ने कहा, अपने पड़ोसी से उतना ही प्यार करो जितना तुम खुद से प्यार करते हो। यीशु ने अच्छे सामरी की कहानी बताई। सामरी एक ऐसे राष्ट्र का एक व्यक्ति था जिसे यरूशलेम के लोग नापसंद करते थे। यीशु ने पड़ोसी शब्द की व्याख्या करने के लिए अपनी कहानी बताई। कहानी में एक सामरी ने यरूशलेम के एक व्यक्ति को बचाया। सामरी ने परवाह की क्योंकि इस आदमी को मदद की जरूरत थी, तो यीशु ने तर्क दिया, यह दूसरा व्यक्ति सामरी का पड़ोसी था। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, हमें उन सभी के बारे में परवाह करनी चाहिए जिन्हें परमेश्वर ने हमारे पास भेजा है। यीशु ने मत्ती अध्याय 5:43-48 में फिर से इस विषय पर चर्चा की। आपने शब्द सुने हैं, अपने पड़ोसी से प्यार करो, अपने दुश्मन से नफरत करो। मैं तुमसे अपने दुश्मनों को प्यार करने के लिए कह रहा हूँ, हमला करने वाले के लिए भी प्रार्थना करें। मत्ती 5:43-48 तक। यीशु के समय के लोगों ने सोचा था कि उन्हें अपने दुश्मनों से घृणा करनी चाहिए, लेकिन बाइबल हमें अपने दुश्मनों से नफरत करने के लिए नहीं कहती है। वास्तव में यीशु ने कहा कि हमें अपने दुश्मनों से प्यार करना चाहिए। यीशु ने उन लोगों के लिए भी प्रार्थना की जिन्होंने उसे मार डाला।
हे पिता उन्हें क्षमा कर, वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। लुका अध्याय 23:34। नीतिवचन अध्याय 3:31-32। 31 किसी बुरे जन से तू द्वेष मत रख और उसकी सी चाल मत चल, तू अपनी चल। 32 क्यों? क्योंकि यहोवा कुटिल जन से घृणा करता है और सच्चरित्र जन को अपनाता है। व्याख्या अध्याय 3:31-32। वर्ष 31। लोग नेता का अनुसरण करना पसंद करते हैं। वे एक फिल्म स्टार की नकल कर सकते हैं, वे अपने शिक्षक की तरह काम कर सकते हैं, वे अपने शासक की तरह व्यवहार कर सकते थे। यदि हम एक मॉडल चुनते हैं तो हमें सावधान रहना चाहिए। यदि हम एक दुष्ट व्यक्ति की नकल करते हैं तो हम बुराई करेंगे, यहाँ तक कि एक पवित्र व्यक्ति गलतियाँ करता है और हमें गलत रास्ते पर ले जा सकता है। वर्ष 32। परमेश्वर के दोस्त और दुश्मन दोनों हैं। यदि हम दुष्ट हैं तो परमेश्वर हमसे शत्रुओं की तरह घृणा करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह हमारे बुरे कार्यों से नफरत करते हैं। हालांकि परमेश्वर चाहता है कि दुष्ट लोग अपना जीवन बदल दें। परमेश्वर के पास अपने दुश्मनों के लिए भी बहुत प्यार है। यही कारण है कि उसने यीशु को भेजा। यह याद रखना, यीशु बुरे लोगों को बचाने के लिए दुनिया में आया। मैं सबसे बुरा था, 1 तीमुथियुस अध्याय 1:15। ईमानदार लोग परमेश्वर के दोस्त हैं। हम सब ईमानदार बन सकते हैं। पहले हमें यीशु पर भरोसा करना होगा। यीशु की मृत्यु हमारे बुरे कार्यों के लिए दंड को छीन लेती है। तब परमेश्वर ने हमें माफ कर दिया। वह हमें अपना दोस्त बनाते हैं। अब हमें और सीखना चाहिए। परमेश्वर हमें सिखाएंगे। वह हमें सिखाने के लिए बाइबल का इस्तेमाल करते हैं। वह अन्य लोगों का भी उपयोग करेंगे। हमें ईश्वर के मार्गों पर जिंदगी जीनी चाहिए। हमें ईमानदार होने की कोशिश करनी चाहिए। परमेश्वर हमारी मदद करेंगे। पूर्व में हमने परमेश्वर का विरोध किया था, हम उनके दुश्मन थे, लेकिन जब हमने यीशु पर भरोसा किया, परमेश्वर ने हमें माफ कर दिया। हम परमेश्वर के दोस्त बन गए। अब हम परमेश्वर के अपने लोग हैं। फिसियों अध्याय 3:11-22 तक देखिए। यह उस सनातन प्रयोजन के अनुसार संपन्न हुआ जो उसने हमारे प्रभु मसीह यीशु में पूरा किया था। मसीह में विश्वास के कारण हम परमेश्वर तक भरोसे और निर्भीकता के साथ पहुंच रखते हैं। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारे लिए मैं जो यातनाएं भोग रहा हूं उनसे आशा मत छोड़ बैठना, क्योंकि इस यातना में ही तो तुम्हारी महिमा है। इसलिए मैं परमपिता के आगे झुकता हूँ। उसी से स्वर्ग में या धरती पर के सभी वंश अपने अपने नाम ग्रहण करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि वह महिमा के अपने धन के अनुसार अपनी आत्मा के द्वारा तुम्हारे भीतरी व्यक्तित्व को शक्तिपूर्वक सुदृढ़ करे और विश्वास के द्वारा तुम्हारे हृदयों में मसीह का निवास हो, तुम्हारी जड़ें और नींव प्रेम पर टिकें, जिससे तुम्हें अन्य सभी संत जनों के साथ यह समझने की शक्ति मिल जाए कि मसीह का प्रेम कितना व्यापक, विस्तृत, विशाल और गंभीर है, और तुम मसीह के उस प्रेम को जान लो जो सभी प्रकार के ज्ञानों से परे है, ताकि तुम परमेश्वर की सभी परिपूर्णताओं से भर जाओ। अब उस परमेश्वर के लिए जो अपनी उस शक्ति से जो हम में काम कर रही है, जितना हम मांग सकते हैं या जहां तक हम सोच सकते हैं, उससे भी कहीं अधिक कर सकता है, उसकी कलीसिया में और मसीह यीशु में अनंत पीढ़ियों तक सदा सदा के लिए महिमा होती रहे, आमीन। नीतिवचन अध्याय 3:33-35। 33 दुष्ट के घर पर यहोवा का शाप रहता है, वह नेक के घर को आशीर्वाद देता है। 34 वह गर्वीले उच्छृंखल की हंसी उड़ाता है, किंतु दीन जन पर वह कृपा करता है। 35 विवेकी जन तो आदर पाएंगे, किंतु वह मूर्खों को लज्जित ही करेगा। व्याख्या अध्याय 3:33-35। परमेश्वर अलग अलग लोगों के साथ अलग तरह से पेश आते हैं। 33 अगर हम परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे तो वह हमारे लिए अच्छा करेंगे, वह हमारे लिए दयालु रहेंगे और वह हमारे घरों के लिए भी मेहरबान रहेंगे। घर शब्द दर्शाता है कि परमेश्वर हमारे परिवारों की भी मदद करेंगे। बुरे आदमी के साथ विरोध करो। परमेश्वर बुरे आदमी और जो लोग बुरे आदमी के घर में रहते हैं को शाप देते हैं। बुरे व्यक्ति का परिवार उसके बुरे कार्यों के कारण पीड़ित होता है। जब से यीशु की मृत्यु हुई यह बदल गया है। प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं के लिए परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। ये शब्द असत्य हैं। पिता खट्टे फल खाते हैं और बच्चों के मुंह में खट्टा स्वाद होता है। हर कोई अपने गलत कार्यों के कारण मर जाएगा। जो कोई भी खट्टा फल खाता है वह अपने लिए इसका स्वाद चखेगा। अतिरिक्त अध्ययन के लिए यिर्मयाह अध्याय 31:29-30 तक। 34 न्याय का समय आ रहा है। परमेश्वर हमारे न्यायाधीश होंगे। हमें विनम्र होना चाहिए और हमें परमेश्वर की सेवा करनी चाहिए। हमें गर्व नहीं करना चाहिए। जब परमेश्वर हमारे न्यायाधीश हैं, वह हम पर कृपा और प्रेम दिखाएंगे। कुछ लोगों को गर्व होता है। वे दूसरे लोगों का बात बात पर अपमान करते हैं। उन्हें अपने बुरे व्यवहार से आज ही मुंह मोड़ लेना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। तब परमेश्वर उन्हें माफ कर देंगे
यदि वे परमेश्वर के प्रेम को अस्वीकार करते हैं तो परमेश्वर उन्हें दंड देंगे। परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं, हालांकि हम उसके प्यार के लायक नहीं हैं। वह सभी को अपनी दया प्रदान करते हैं। हमें इसे प्राप्त करने के लिए विनम्र होना चाहिए। अगर हमें अपने कर्मों पर भरोसा है तो हम परमेश्वर के क्षमा और प्यार प्राप्त नहीं कर सकते। कोई भी स्वर्ग जाने के लायक नहीं है। हम सब ने गलत काम किया है। हम सब परमेश्वर की सजा के पात्र हैं। इसलिए परमेश्वर ने यीशु को भेजा। यीशु परमेश्वर की सजा के लायक नहीं था। यीशु ने वह दंड भोगा जिसके हम हकदार हैं। यदि हम परमेश्वर की ओर फिरें तो वह हमें क्षमा कर देगा। वह हमें बचाएंगे क्योंकि वह दयालु है। नीतिवचन 3:34 बाइबल का एक महत्वपूर्ण वज है। याकूब और पत्रस दोनों ने अपनी अपनी पुस्तकों में इस वज का प्रयोग किया। नीतिवचन बाइबल अध्ययन हिंदी व्याख्या के साथ। नीतिवचन की किताब हमारे जीवन के लिए व्यवहारिक सलाह और दिशा निर्देशों का एक संग्रह है। इसका उद्देश्य हमें सिखाना है कि ज्ञान कैसे प्राप्त करें, अनुशासित रहें और जीवन में ईश्वर का सम्मान कैसे करें। नीतिवचन अध्याय 1-31 तक की पूरी श्रृंखला हिंदी विवरण के साथ जरूर देखें। यदि आपको ये नीतिवचन स्पष्टीकरण पसंद आया हो तो हमें सब्सक्राइब करें, जिससे आप नीतिवचन श्रृंखला का अगला वीडियो मिस न करें।